पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार दिल्ली आई, जहां पर ममता बनर्जी ने कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। और कल ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी से मिली। बताया जा रहा है कि मुलाकात में राहुल गांधी भी मौजूद थे। ममता बनर्जी की तरफ से इस बैठक के बाद एक बड़ा बयान आया, जिसमें उन्होंने बीजेपी के खिलाफ सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होने की बात कही। वहीं राजनीतिक विश्लेषक यह कह रहे हैं कि ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की यह बैठक कई मामलों में खास है, क्योंकि इस बैठक में 2024 में विपक्षी एकता का भाजपा के खिलाफ सूत्र तैयार हो सकता है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी चाहती हैं कि कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, एसपी, बीएसपी और आरजेडी जैसी तमाम विपक्षी दल एक साथ आएं और 2024 में बीजेपी का मुकाबला करें। वहीं आपको बताते चलें कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे अच्छे दिन को तंज कसते हुए कल कहा कि हम भारत के लिए सच्चे दिन चाहते हैं और वो मैं लाकर रहूंगी। ऐसी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए स्पिन एंड न्यूज़ से। धन्यवाद।